नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। और आपके साथ इस वक्त मैं हूं राजेंद्र देव। और आइए अब खबरों पर बात की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी दौरे पर पहुंचेंगे और आज प्रधानमंत्री वाराणसी को 1774 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 43 परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 4 घंटे के अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के 3 जगहों पर कार्यक्रम है, यानी बहुत ये व्यस्त और संक्षिप्त दौरा। 4 घंटे वाराणसी में रुकेंगे और 3 बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री के वाराणसी में। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 कार्यक्रम कौन कौन से और कहां कहां पे हैं। तो स्कूल के बच्चों से संवाद का कार्यक्रम है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मान कार्यक्रम है दूसरा कार्यक्रम, और तीसरा कार्यक्रम है डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तो स्कूल के बच्चों से संवाद करेंगे आज पहले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री। दूसरे कार्यक्रम में शिक्षा नीति पर बात कर सकते हैं, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का कार्यक्रम है। और तीसरा जो कार्यक्रम है उसमें वो कुछ खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर सकते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तो 3 कार्यक्रम, 3 बड़े कार्यक्रम और 3 अलग अलग प्रकृति के कार्यक्रम 3 अलग अलग जगहों पर वाराणसी में। अक्षय पात्र भोजन रसोई का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री को करना है और इस अवसर पर वो स्कूल के बच्चों से संवाद भी कर सकते हैं। ये पहला कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। और उसके बाद तीसरा जो कार्यक्रम है वो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में है और इसमें वो कुछ खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये 3 स्थान, 3 बड़े कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में और कुल 4 घंटे का दौरा उनका वाराणसी का। तो प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे और सौगात पर लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी नीतीश पांडे पहुंचे पप्पू चाय की दुकान पर। खास रिपोर्ट देखिए। पीएम काशी आने वाले हैं और पूरी काशी में मिजाज बना हुआ है। इस वक्त हम पप्पू चाय की अड़ी पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है तो इनके चाय की भी तैयारी पूरी है। तो किस तरह का माहौल है? मोदी जी आ रहे हैं कुछ अपना जो जो काम किए हैं उसके उद्घाटन करने के लिए। विकास की परियोजनाओं को देंगे प्रधानमंत्री, कई की आधारशिला रखेंगे, कुछ का लोकार्पण करेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, कितना मन में उत्साह है, क्या कहना? मन में तो इतना उत्साह है कि मोदी जी ने काशी को खुद ले लिए हैं। अब पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, हर बार कम से कम साल भर में 6-7 बार आना पड़ता है उनको काशी को देखने के लिए। ये मनोज हैं और ये चाय बनाते हैं और देखिए केतली यहाँ पर चढ़ी हुई है। मुद्दे गर्म हैं लेकिन जो उत्साह है वो भी अपने चरम पर है। आप देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर और इस चाय की अड़ी पर। तो क्या माहौल है आज बनारस में? माहौल चकाचक है बनारस में, हर हर महादेव सब है। मोदी जी आ रहे हैं, कुछ दे के जाएंगे। काशी का सौभाग्य है कि वह यहाँ के सांसद हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलना है काशी को। इस विकास की योजनाएं तमाम मिल रही हैं, अगर वह ठीक से यहाँ के अधिकारी क्रियान्वित कर दें तो समझ लीजिए काशी का उद्धार हो जाए। उद्धार है इस बार? हाँ, पूरी तरह से उम्मीद तो यही करते हैं। और आज की चर्चा कुछ खास? आज की चर्चा वही मोदी जी के प्रोग्राम के बारे में हो रही है, क्या क्या काशी को मिलने वाला है, काशी के लिए का भविष्य कैसा होगा, इसी पर विचार हो रहा है। जाएंगे प्रोग्राम में? जरूर जाएंगे। तो तैयारी कर रखी है इन्होंने और आप गंभीरता से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। काशी को बहुत दिया, दे रहे हैं और इसी तरह देते रहेंगे। आप देखिए कुछ लोग सीनियर सिटीजन भी हैं। अच्छों को हमेशा बुरा ही करते हैं विपक्षी, मोदी इतने अच्छे हैं, काशी को काशी बना दिया है। आज बम बम बोल रहा है काशी, जब आ जाते हैं या इतना उन्होंने परियोजनाएं बना दी है, अगर यहाँ के अफसर उसको कायदे से उस पर अमल करें तो काशी काशी हो जाएगा। आप भी ध्यान दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अगला सत्र भी मोदी करे। सौभाग्य है काशी के रहने वालों का और काशी में आ करके यहाँ बस जाने वालों का कि माननीय मोदी जैसा सांसद हमें मिला यहाँ के लिए और
जिसकी विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनी, अलग धूम है, वो आज आ रहे हैं बनारस में तमाम ढेर सारी परियोजनाओं को लेकर के। तो निश्चित तौर पे यहाँ खुशी का माहौल है, सभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कोई हर हर महादेव यहाँ पर कुछ कहे? आप देखें, जैसे ही ये बात सामने आई, जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने उत्साह का इजहार हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कर रहे हैं। पूरी काशी उत्साहित है, प्रधानमंत्री का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ज्यादा वक्त नहीं बचाए, प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद वाराणसी पहुंच जाएंगे और हमारे दो सहयोगी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। नीतीश पांडे की अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी इस वक्त वाराणसी में हैं और लगातार आपकी आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ के रंग दिखा रहे हैं। और काशी चूंकि अपने आप में एक बहुत विशेष स्थान है, इसलिए वो हमेशा गुलजार ही रहती है। आज की स्थिति क्या है ये नीतीश से जान लेते हैं। नीतीश, आप हैं कहाँ पर और इस वक्त आपके पास सबसे ताज़ा अपडेट क्या है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? राजेंद्र जी, इस वक्त मैं रुद्राक्ष के बाहर मौजूद हूँ और अगर ताज़ा अपडेट की बात कर ले तो जो कुलपति हैं, पूरे देश से आए जो कुलपति हैं, वीसी हैं, वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। अभी एक गाड़ी पर सवार होकर कुछ देर पहले यहाँ पर कुलपतियों का एक दल यहाँ पर पहुँच गया है और अब रुद्राक्ष में लोगों का आगमन शुरू हो गया है। अब कुछ ही देर है प्रधानमंत्री के आने में, लिहाजा लोग अब यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब देखिए चारों तरफ आपको अब यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है, जो सुरक्षा का घेरा है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो गया है। आपको सामने आरएएफ के जवानों की तैनाती, इसके साथ सीओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं और जो बाहर हैं वो पुलिस के जवान लगाए गए हैं, महिला पुलिस बल तैनात किया गया है और जो इस रास्ते की ओर आने वाले चौराहे हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। आपके सामने भी जो अभी सामने जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें भी कुलपति सवार होकर पहुंच रहे हैं, तो लगातार जो कुलपति लोग हैं उनका यहां पर आना शुरू है। यहां पर जो कुलपति हैं, जो आईआईटी के निदेशक हैं, उनका यहां पर जो कार्यक्रम होने वाला है, प्रधानमंत्री को सभी सुनेंगे। प्रधानमंत्री को आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, आने वाले समय में जो शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की सुदृढ़ हो, इस पर विचार करेंगे। तो हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। सर, अरे आज किस तरह का उत्साह? सर, अरे बहुत उत्साह है कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी कुलपति हैं, निर्देशक हैं, वो आए हुए हैं और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए जो हम लोगों को यहाँ पर विचार विमर्श होना है कि कैसे इसको लागू किया जाए जिससे शिक्षा का विकास हो सके और एक संपूर्ण भारत में एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू की जा सके, इसके लिए एक प्रयास है ये। और मुझे लगता है कि इस तरह का ऐतिहासिक समागम बहुत कम हुआ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति आप रहे, इसके अलावा अगर बात करें तो आईआईटी से भी जुड़ा हुआ आपका एक नाता रहा, तो क्या लग रहा है तकनीकी के क्षेत्र में किस तरह का बदलाव आने वाले दिनों में इस तरह के समागम से? तकनीकी के कारण तो कुछ भी संभव नहीं है, पूरा जो सिस्टम है वो तकनीकी पर आधारित है क्योंकि बहुत सारे डाटा बैंक और बहुत सारी तरह की जो है प्रोग्राम की आवश्यकता है इसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसमें सारा तकनीकी सहयोग जो है वो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIIT है, इनका पूरा का पूरा सहयोग रहेगा तभी हम इसको लागू कर सकते हैं। तैयारी की है आपने, प्रधानमंत्री को सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आए हुए। ठीक है नीतीश, आपके पास वापस आएंगे, आप वहाँ पर रहिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे हैं आप और आपके पास वापस आते हैं नीतीश, और भी तस्वीरें हम देखेंगे और जो वहाँ पर शिक्षाविद पहुँच रहे हैं उनसे आपकी जो बातचीत होगी वो एक बार फिर से हमारे दर्शक देख पाएंगे। लेकिन एक बार वीरेश पांडे के पास चलना बहुत आवश्यक है, वो अपने रोचक अंदाज में हमें बताने वाले हैं कि काशी में इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं और काशी का कौन सा रंग उनके जहन में उतरा हुआ है इस वक्त। वीरेश, देखिए राजेंद्र जी, जब घर का कोई लायक बेटा जब कहीं दूर से आता है, कर्म करके आता है, कमा के आता है, तो कुछ सौगात लेकर आता है, कुछ तोहफा लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कर्म भूमि है, यहाँ के लायक बेटा है, पुत्र है, माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था 2014 में, तो वो आए, सांसद बनाया यहाँ की जनता ने और वो दिल्ली में बैठे, पूरे देश पर उनका राज चल रहा है। और ऐसे में जब वो आ रहे हैं तो कई हजार करोड़ की सौगात भी देने जा रहे हैं और 1800 करोड़ के लगभग की ये सौगात है। उस सौगात के मद्देनजर जहाँ वो सबसे पहले पहुँचेंगे, जी हाँ, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर मेरी टीम मौजूद है, आपकी टीम मौजूद है और इस सौगात में क्या होगा आप देखिए। अक्षय पात्र आपको दिखाई दे रहा है,
जी, इस अक्षय पात्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये किचन है, वाराणसी में तैयार किया गया। इस विशालकाय किचन में 1,00,000 बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा। अक्षय पात्र किचन में कई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस किचन में लगी रोटियां बनाने की मशीन से केवल 1 घंटे में 40,000 रोटियां तैयार हो जाएंगी। 15,000 वर्ग मीटर में बनाए गए इस अक्षय पात्र के किचन को बनाने में राजेंद्र 24 करोड़ रुपए की लागत आई है। किचन में रोटियां बनाने की मशीन है, इसमें ऑटोमेटिक तरीके से, यानी आधुनिक जमाने का सब कुछ है, ऑटोमेटिक तरीके से आटा भी गुथा जा सकेगा। इस किचन में कड़ाही सबसे बड़ी मशीन है जो एक बार में 1600 लीटर दाल तैयार करेगी। बता दें कि 8 जुलाई को यानी जी प्रधानमंत्री 25,000 बच्चों के साथ यहाँ पर खाना बनाने में अक्षय पात्र किचन की जो शुरुआत होगी उसमें जो प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, तो लगभग 1,00,000 बच्चों का यहाँ खाना बनेगा। ये अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत दास। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो सौगात है, प्रशांत जी जो हैं इंस्पेक्टर साहब हैं और इनको दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकी बात भी मान लेंगे और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे आप जरा इनको देख लीजिए जी, क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन पे बाधा पहुंचाने में कुछ इंस्पेक्टर्स, कुछ दरोगा को बहुत मज़ा आता है कि 2 मिनट भी सब्र नहीं रख सकते हैं। इनको देखिए, ये टेलीविज़न पे हाथ भी लगा रहे हैं। SPG भी देखता हूँ और प्रशांत कुमार जी आपको भी देखता हूँ। हम लोगों का तो काम ही आपका मर्यादा का पालन करते हुए, कोई बात नहीं। इसके साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री के सौगात का ये पहला चरण होगा और यहाँ के बाद से प्रधानमंत्री निकल कर जाएंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और उसके बाद से संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, वहां भी सौगात होगी, शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। लेकिन राजेंद्र, मैंने आपसे कहा कि काशी का लायक बेटा जब आ रहा है तो वो सौगात लेकर आ रहा है। अपनी नज़र से इसे देखने वाले बहुत तरीके से देखते हैं। उनका ये कहना है कि ये 24 की तैयारी है। जी हाँ राजेंद्र, ये 24 की तैयारी हो सकती है, लेकिन लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, काशी की जनता से वादा किया था, उसे ज़मीन पर उतारने की उनकी कोशिश है। और 24 में विकास के मॉडल से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगता रहा है कि धर्म के आधार पर राजनीति करती है, राम के नाम पर राजनीति करती है, अयोध्या, काशी और मथुरा के नाम पर राजनीति करती है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता यानी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सौगात लेकर आ रहे हैं, विकास का मॉडल लेकर आ रहे हैं, और विकास के मॉडल में बहुत कुछ चीजें हैं। शिलान्यास है तो लोकार्पण भी है, और साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में कुछ दिन के अंदर वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तरफ भी आएंगे, उसका भी उद्घाटन होना है। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी विकास के रोल मॉडल के जरिए चुनाव में भी जाएगी, ये उसी की तैयारी मान सकते हैं। चूंकि हम पत्रकार हैं तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में विकास है तो ये कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और विकास का मॉडल होगा और विकास के अलग अलग नजरों से देखा जा सकता है, लेकिन मुस्कुराहट भरी। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, हम देख रहे हैं वहां पर, सुरक्षा भी देख रहे हैं। एक बार हमारे दर्शकों को ये जरूर बता दीजिए कि किस वक्त यहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर अभी आप मौजूद हैं प्रधानमंत्री, और ये जो अक्षय पात्र योजना है, ये इसमें असल में महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बता दें, समझा दें आप वीरेश। देखिए, ये फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन है जिसका ये हॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये निःशुल्क भोजन की योजना है जो छात्रों के लिए है, गरीबों के लिए है। और उसकी खासियत मैंने आपको सरल शब्दों में बताया कि इसमें आधुनिक तरीके से ये किचन बना हुआ है और क्या क्या होगा इसमें। मैंने आपसे कहा कि ऑटोमेटिक तरीके से आटा भी गुथा जा सकेगा। किचन में जो कढ़ाई है वो सबसे बड़ी मशीन है, वो भी बहुत ऑटोमेटिक तरीके से चलेगी, जिसमें 1600 लीटर दाल तैयार कर सकेगी एक समय में, इतनी बड़ी कढ़ाई है। लेकिन इसका जो लक्ष्य है लोगों को निःशुल्क भोजन देना, गरीबों को, बेसहारों को निःशुल्क भोजन देना। अगर लब्बो लुआब हम देखें,
समझें और दर्शकों को बताएं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बेसहारा हैं जिन्हें वो भोजन नहीं मिल पाता है, वो उन्हें उनका ख्याल कर रहे हैं प्रधानमंत्री, काशी के सांसद। तो ऐसे में सरल शब्दों में तो यही है कि निःशुल्क भोजन की ये जो संस्था है उसके जरिए जो नेक काम किया जा रहा है जी जी। उसमें भाग लेंगे, प्रतिभाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे जन सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रहती है। अगर प्रधानमंत्री इस जन सहयोग में सहयोग कर रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे और जन सहयोग से ही जन कल्याण और लोक कल्याण का रास्ता सुगम हो सकेगा। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि वहां पर जाना प्रधानमंत्री का, उनका भोजन करना, वहां पर संबोधित करना, लोगों से बात करना, ये अपने आप में उस जन सहयोग की भावना को प्रधानमंत्री और भारत सरकार का सहयोग है और इसके बड़े मायने हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।